हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम साबूदाना की बर्फ़ी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी साबूदाना ले ली हूँ और पहले हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के लिए किसी भी सूती कपड़े को ले, उसे धो के निचोड़ ले और हल्का गीला रहने दे। तो यहाँ पर मैं साबूदाना ऐड कर दी और इसे कुछ इस तरीके से पोंछ लेंगे। इससे जितने भी साबूदाने में इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी निकल आएगी। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। तो अब हम इसे भून लेंगे। तो भुनने के लिए मैं यहाँ पे पैन चढ़ा दी और उसमें साबूदाना ऐड कर दी हूँ। हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है, जब तक इसमें क्रिस्प ना आए। अगर आपको लगे कि ये अभी तक नहीं भुनी है तो एक दो साबूदाने ले और उसे कूट दे। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, साबूदाने बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। तो साबूदाने ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे जार में ऐड कर देंगे और इसका एक फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। सो ये देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसे ही बारीक पीस लेना है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूध चढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले ली हूँ और दूध को हम हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते रहेंगे और दूध का गाढ़ा होने का वेट करेंगे। ये देखिए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर देती हूँ और हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और चीनी को अच्छे तरीके से घुल ले देंगे। सो ये देखिए, दूध जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। और गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे और घी मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये देखिए, घी जो है वो मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें साबूदाना वाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो साबूदाना को हम पहले भी भून चुके हैं, तो हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भून लेना है। तो इसी के साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो इन्हीं के साथ ड्राई फ्रूट्स भी भुन जाएंगे। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैं यहाँ पर काजू ऐड कर रही हूँ और कुछ बादाम। तो इसे भून लेंगे और ये बिल्कुल अब रवा जैसा लग रहा है। जैसे हम रवा को भूनते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो अब हम इसमें जो हमने दूध में चीनी डाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे और ये चलाते चलाते गाढ़ा हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अच्छे तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। सो ये देखिए, गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे निकालेंगे। प्लेट को ग्रीस करके इसमें हम डाल देंगे और स्पून के पीछे में थोड़ा सा घी ऐड करके ग्रीस करके और फिर उसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और मैं यहाँ पे पिस्ता ऐड करी हूँ। इसे देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं जिससे कि निकले ना, और इसे 2 घंटा के लिए रख देंगे। सो 2 घंटे हो चुके हैं और अच्छे तरीके से ये सेट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा है। ये देखिए,
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनके ये रेडी हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।